तब से चला रहा हूँ जब सीएनजी की कॉस्ट होती थी 19 रुपीज ओनली, 19 रुपीज, और तब मेरे पास होती थी सैंट्रोजिंग जो मुझे कॉस्ट करती थी 50 पैसा पर किलोमीटर। मतलब आपको तो ऐसा लगता ही नहीं होगा आप गाड़ी भी चला रहे हो। मुझे कभी पॉकेट पे तो लगता ही नहीं था कि मैं गाड़ी को मैं कुछ भराता भी हूँ या मैं। सीएनजी का ये है स्विच, तो भैया इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ये पेट्रोल पे आ जाएगी, ये पेट्रोल पे आ जाएगी। एक बार आप गाड़ी स्टार्ट करें तो जैसे अभी इसमें दो लाइन आ रही है, दो डॉट आ रही है, तो मतलब हाफ सीएनजी है, हाफ सीएनजी है। अभी ये पेट्रोल पे स्टार्ट हुई है गाड़ी, ठीक है। आप एक्सीलेटर दे सकते सर, अगर बटन दबाया क्या? अभी बटन नहीं दबाया, ये गैस पे हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी जैसे दो डंडे हैं इसमें, ये इतने में हाफ है। देखिए आप 111 किलोमीटर चल चुकी है, 111 चल चुकी है और अभी हाफ है, हाफ है, तो मतलब 200 तो क्रॉस है, आराम से करेगी, आराम से कर लेती है 200 लोकल लोकल बता रहा हूँ मैं आपको। तो गाड़ी को एक बार चला के भी देख लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले हम लोग सीट बेल्ट वगैरह पहनेंगे क्योंकि यार सेफ्टी है जरूरी, बाकी चीजें बाद में। गाड़ी का पोस्चर काफी अच्छा है, मतलब बैठ के आपको व्यू बहुत बढ़िया मिल जाता है विंडशील्ड का, और बोनट तो हालांकि नहीं दिखता है लेकिन व्यू काफी अच्छा है। अब लेकर चलते हैं इसको, तो मतलब कोई झटका नहीं है, कोई लैग भी नहीं है। अगर कोई भी है नॉर्मल बंदा जैसे आपकी गाड़ी चलाता है तो वो बैठ के चला के बोलता है सीएनजी है या फिर नहीं, किसी को नहीं बताओगे तो पता नहीं चलेगा सीएनजी है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को जैसे पता ही नहीं चल रहा है सीएनजी में चल रही है। मैंने अपने दोस्त के पेट्रोल ग्रीजर चलाई थी अभी कुछ टाइम पहले, तो उसमें और इसमें मेरे को इतना फर्क नहीं महसूस हो रहा। नहीं बिल्कुल महसूस नहीं होगा, 19-20 का फर्क तो रहेगा जब आप उसको पावर में खींचेंगे। थोड़ा सा अगर आप इसको स्ट्रेच करेंगे कार को, हाँ जी, तब आपको महसूस होगा। अगर आप लोकल गाड़ी चलाते हैं और नॉर्मल सेफ ड्राइव करते हैं तो मैं कहूंगा कभी भी आपको कहीं लाभ नहीं होगा कि आप सीएनजी पे गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी आपको पसंद कर रही है। तो गाइस अब देख सकते हो भैया कितने सेटिस्फाइड है, और इनके कहने के वे से पता चल रहा है कि बिल्कुल गाड़ी बढ़िया है एकदम। ये देख लो, मैं खींच कर देख रहा हूँ, कुछ इतना फर्क पता ही नहीं चल रहा गाइस, बहुत अच्छी चल रही है कार, बहुत अच्छी। सीएनजी में कोई बता नहीं सकता, कोई नॉर्मल बंदा चलाएगा तो उसे लगेगा पेट्रोल में ही चल रही है। अभी हम थोड़ा इसको पेट्रोल में भी चलाकर देखेंगे, उसके बाद मैं आपको फर्क बताता हूँ कि पेट्रोल और सीएनजी में फर्क क्या है। गाइस थोड़ा इसको पेट्रोल में ड्राइव करते हैं पहले, उसके बाद सीएनजी में ड्राइव करेंगे। सो भैया टच बटन है, आप उसको टच करेंगे तो वो पेट्रोल जी। अच्छा अच्छा, इसको ऊपर टच करेंगे, सिर्फ टच करेंगे तो पेट्रोल हो जाएगा। गैस टैंक की प्रीमियम किट है तो एकदम, मेरी लोबेटो लगी हुई है मेरी गाड़ी में, उसमें भी अच्छी किट है, इंडियन ब्रांड है लोबेटो, वो भी अच्छा है, लेकिन वो महंगी काफी पड़ी मेरे को, थोड़ा महंगा तो पड़ा, 57 की पड़ी। चलो गाइस देख सकते हो आप ये, और मैं एक और चीज भैया से पूछना चाहूंगा, जैसे भैया आपके पास चार गाड़ियां हैं। मेरे पास एक्चुअली में 6 गाड़ियां हैं, ठीक है, एक डीजल है, 5 सीएनजी पे, 5 सीएनजी में, तो आपको उनमें से बेस्ट कौन सी लगती है? देखो बेस्ट तो सारी गाड़ियां हैं, क्योंकि मैंने जिससे लगवा रखी है वो गाड़ियां बहुत सेट करके देता है, ठीक है, कभी महसूस नहीं होता कि आपको कुछ भी लैग आ रहा है या कुछ, अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो कह रहा मेरे पास ले, बहुत डिसेंट बंदा है। मैं लेकिन लिंक दे दूंगा, हाँ हाँ हाँ, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दूंगा उनका, आप उनके यार मजा तो मुझे इसमें आता है, ठीक है, मेरी पर्सनल कार सियाज है, ऑटोमेटिक है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है चलने में। तो भैया के कहने के हिसाब से ब्रीजा में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं वो चलाने में, लेकिन सारी गाड़ियां इनकी बढ़िया हैं। तो अगली वीडियोस में और भी चलाकर देखेंगे, सीएस ऑटोमेटिक भी देखेंगे चला के, अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो कमेंट करके बता देना गाइस। और भैया से मिलके बहुत बढ़िया लगा, गाड़ी चलाने में एक नंबर है, मैं तो भाई सेटिस्फाइड हूँ। बस एक ड्रॉबैक जो इसका ये भैया वही है कि पुलिस वालों का चक्कर BS6 में, हाँ वो BS6 में ही है। हाँ अगर आप देखो सीएनजी लवर है तो आप 2019 से पहले की कोई भी गाड़ी उठा सकते हैं, बिल्कुल साफ मिल जाए आपको, और उसमें सीएनजी लगा ले, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है इस टाइम पे। तो ये मतलब आपको स्प्लेंडर बाइक होती है ना गाइस, उससे भी सस्ती पड़ रही है मेरे हिसाब से, आप समझ लीजिए कि आप एक्टिवा चला रहे हैं, एक्टिवा चला रहे हैं, देख लो। ये भैया ने क्लियर कह दिया अपने मुंह से, मतलब 450 में आपकी 250 चल रही है, बाइक भी नहीं चलेगी गाइस आज की डेट में, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है ना, बाइक भी नहीं चल पाएगी इतनी सस्ती। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो ये था हमारा कुछ रिव्यू विटारा ब्रीजा सीएनजी के साथ, जो कि एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ जी, मैं गाड़ी सीएनजी पे तब से चला रहा हूँ जब सीएनजी की कॉस्ट होती थी 19 रुपीज ओनली, 19 रुपीज, और तब मेरे पास होती थी सैंट्रोजिंग जो मुझे कॉस्ट करती थी 50 पैसा पर किलोमीटर।
मतलब आपको तो ऐसा लगता ही नहीं होगा आप गाड़ी भी चला रहे हो। मुझे कभी पॉकेट पे तो लगता ही नहीं था क्योंकि मैं गाड़ी को मैं कुछ भराता भी हूँ या मैं 200 की भरवाई और मतलब 200 की भरवाई और मजे लेने पूरे हफ्ते। बताओ भाई, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। भैया ने असली मजे लिए जिंदगी के, हम तो मतलब बेकार ही है। अब तो CNG भी 60 रुपए पहुंच चुकी है, उसके ऊपर कुछ कहना आपका? यार उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, जो सरकार करेगी वो करेंगे और क्या। पर वही है, अपना पेट्रोल से तो सस्ती चल रही है कुल मिला के। जो लोग पेट्रोल पे इतना खर्च कर रहे हैं वो CNG लगा के थोड़ा बचा सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप गाड़ी फोर्थ गियर में, और मैं आपको एक बार थर्ड में करके ना थोड़ा 4000 RPM तक खींच कर दिखाऊंगा। ये देख लो, जैसे एक्सीलेटर मैं छोड़ता हूँ तो कुछ हल्का झटका सा होता है, वो पेट्रोल में भी है? नहीं, वो पेट्रोल में नहीं है, वो बेसिकली अभी इसकी सर्विस ड्यू है। अच्छा, सर्विस थोड़ा सा फिल्टर मेरे ख्याल से थोड़ा सा चोक होगा। अच्छा, 20,000 होने वाली है और मैंने इसकी सर्विस करानी है। 20,000 चलने वाली है, कुछ ही किलोमीटर बाकी है, 800। तो एक बार मैं इसको पेट्रोल में भी चलाकर देखता हूँ। ये हमने स्विच एक बार प्रेस कर दिया और ये अब आ गई पेट्रोल में, सब देख सकते हो रेड लाइट चल रही है। तो यार पेट्रोल में भी कुछ इतना खास फर्क लग नहीं रहा है मेरे को, 19-20 का ही अंतर है। भैया बिल्कुल सही कह रहे थे, बिल्कुल सही, 19-20 का ही अंतर है, उससे ज्यादा का अंतर नहीं है इस कार में। अब देख ले, पेट्रोल पे मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ। अच्छा भैया, जोर तो पड़ता होगा मतलब पेट्रोल पे चलाने में, थोड़ा ऐसा लगता होगा मैं क्यों ही पेट्रोल पे चला रहा हूँ कार। या जब अप्रोक्सीमेटली 50,000 खर्च किए हैं तो फिर पेट्रोल पे क्यों चलानी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। तो इस पे आप पेट्रोल कितने दिनों में मतलब कैसे डलवाते हो? मैं अप्रोक्सीमेटली इसका एक महीने में हाफ टैंक करवा देता हूँ, मतलब 2,000-2,500 का भरवा दिए एक महीने में एक बार। अच्छा अच्छा, मुझे जरूरत नहीं पड़ती इसके अलावा भरवाने की, ऑटोमेटिकली चलती है। हाँ, बट मैं ये प्रेफर करूंगा अगर आप गाड़ी CNG ले रहे हैं तो ये मत सोचिए कि गाड़ी आपको CNG पे ही चलानी है, पेट्रोल पे भी चलाए। सर्दी के टाइम पे 2-3 किलोमीटर गाड़ी पेट्रोल पे ही चलाएं, कोशिश करें, और नहीं चला पा रहे तो कभी हफ्ते में एक बार चला ली गाड़ी पेट्रोल पे थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे एक चीज कहना, गाड़ी बनी भी आई है कंपनी से वो पेट्रोल पे बन के आई है, पेट्रोल पे बन के उस पर पेट्रोल भी चलना चाहिए मेरे हिसाब से। सही बात है। सो गाइस, वही वाली बात है कि आप डालडा ही डालडा खाते रहोगे तो देसी घी का आपको चाहिए चीज, क्योंकि बिल्कुल डालडा खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, गाड़ी को देसी घी भी देना पड़ेगा कभी कभी। बिल्कुल। तो ये था हमारा कुछ रिव्यू ब्रीजा के साथ। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना गाइस, ऐसे लव एंड सपोर्ट देते रहो। और जो गाइस नए हैं अपने चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भैया को भी आप जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये आ रहा है नीचे, भैया से जाके पूछो चीज़ें जो आपको क्लियर करनी है, आपको मैसेज करेंगे। ओके भैया, ओके, थैंक यू।